महज 12 साल की इनकी उम्र है और जब ये बोल रहे थे तो तमाम लोग जो है, आकाश अब थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए, इतने सारे जो लोग हैं वो इनको लगातार देख रहे थे और पीछे से लोग ये कह रहे थे कि जी देखो ये 12 साल का बच्चा है और इसके अंदर कितना ज़्यादा प्रतिभा है, कितने अच्छे से ये अपनी बातों को रख रहा है और कितने अच्छी तरीके से इस बातों को कह रहा है। तो ये हैं 12 साल के हनुमानगढ़ी के महंत। ये बहुत वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और जब मैं इनका इंटरव्यू देख रही थी, मेरे ही एक साथी विमल त्यागी उनका नाम है, यूथ मीडिया के हैं, वो इंटरव्यू कर रहे थे, मैं इनको पीछे से खड़े होकर पिछले 8-10 मिनट से मैं इनको देख रही थी। तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैं ज़रा इनसे बात करूँ और समझना चाहूँ कि वायरल हो रहे हैं तो कैसा लग रहा है आप? हमको ठीक ही लग रहा है पर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता नहीं है? आपने उस मोक्ष को अपना लिया है कि आपको कोई प्रसन्नता, ज़्यादा दुख नहीं होता है? जी, हम ज़्यादा जनता के बीच में भी नहीं रहना चाहते हैं। हाँ। सिर्फ हनुमान जी की सेवा में रहते हैं ज़्यादा ज़्यादा समय। कैसा लगता है आपको हनुमान जी की सेवा करके? जैसे लगता है सब कुछ हमने पा लिया है, बैठे बैठे कहना नहीं है। हाँ। मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले, वो वाला हाल है। क्या बात है। अरे मतलब 12 साल के महंत हैं, थोड़ा सा जो है इनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए थोड़ी तालियां, जब ये बढ़िया बात बोले तो ऐसे तालियां बजाइए इनके लिए, ऐसे सूखा सूखा ना रहे। अच्छा, नाम क्या है आपका महंत जी? सूरजदास। सूरजदास जी, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? 5 बजे। 5 बजे उठते हैं और प्रतिदिन हनुमान जी की सेवा करते हैं जी। अच्छा, तो अभी अयोध्या आपको कैसी लग रही है? अयोध्या एकदम भव्यमय है और देखने लायक है। हाँ। हम सब लोग तो रोज देख रहे हैं, रोज दर्शन कर रहे हैं। हाँ। और जैसे लगता है रोज देखते हैं पर जैसे लगता है कुछ नया है। अच्छा। आज कुछ नया है। आज क्या नया देखा आपने? अब आज यही जो लाइट जल रही है यही नया देखा हमने। ये कौन सी लाइट? वो वाली लाइट? अच्छा, लाइट जल रही है, देखिए। अच्छा जी, सूर्य के कारण। सूर्य वाली? जी 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 जी, वही आज हम पहली बार देख रहे हैं। पहली बार जी। अजोने पे में यहाँ 4 साल से रहते हैं। 4 साल? कभी कुछ और देखते हैं, कभी कुछ और, मतलब बहुत उन्नति पे है अयोध्या। उन्नति पे है जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, 4 साल पहले वाली याददाश्त आपको है अभी? मतलब हाँ, थोड़ा थोड़ा याददाश्त है। मतलब यहाँ कोई, हम देखते थे बहुत गहरा गहरा था यहाँ और कोई आता नहीं था। हाँ। वैसे एक आध दो लोग आते थे बस। और हम जैसे लोग आते थे 4-5 साल पहले? नहीं नहीं, यूट्यूबर यहाँ तो बहुत कम लोग आते थे। यूट्यूबर कहीं महीने में एक आध बार आ जाते थे। अब तो दिखाई दे रहा कि सभी यूट्यूबर शायद अयोध्या में ही हैं। सारे यूट्यूबर जो है वो सब के सब अयोध्या में हैं। अच्छा, आप राजनीति पे भी खूब बात करते हैं इतनी छोटी सी उम्र में? नहीं, आप जो आप पूछ रही हैं उसी का उत्तर दे रहे हैं। नहीं, मैं तो देख रही थी कि अभी जैसे मेरे एक साथी विमल जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप बढ़िया, अखिलेश, सोनिया, राहुल, ओवैसी, सब बोले जा रहे हैं बढ़िया। अब जो पूछ रहे थे वही बता रहे थे हम। अच्छा, क्या समझ में आती है राजनीति के बारे में 12 साल की? राजनीति कुछ नहीं समझ में आती है। हाँ। बस यही है, हम एक ही चीज़ जानते हैं, जो राम भगवान का, हनुमान जी का सेवक है वही पूरे भारत का सेवक बन सकता है। अच्छा, आपके अभी ना वोट करने की उम्र है ना आपके, मतलब वैसा कुछ, मतलब 18 साल के भी आप अभी नहीं हुए हैं, 12 साल के हैं महज, और आप कह रहे हैं कि हनुमान के जो सेवक हैं, राम के जो सेवक हैं, ये आपको कैसे लग रहा है कि मंदिर बनाने से कोई हनुमान और राम का सेवक हो जाएगा? नहीं, मंदिर बनाने से राम सेवक नहीं हो जाएगा, पर हर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ योगी जी महीने में, अब इस समय तो बार बार आ रहे हैं पर महीने में 2-3 बार मुख्यमंत्री जी हैं, वो आ रहे हैं, दौड़े पे देख रहे हैं क्या कैसे हो रहा है, नाली, सड़क, घर, आवास, हर एक चीज़, गांव में भी गौशाला, हर एक चीज़, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, तो पता चल रहा है कि हाँ, ये सरकार सरकार नहीं, ये भगवान के सेवक हैं। भगवान के सेवक है, सोचिए कितने लोग जो होंगे वो इनसे प्रभावित होंगे। मैं इनसे इंटरव्यू ले रही हूँ, देखो जो नेशनल मीडिया वाले भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के इंटरव्यू लेने के लिए पहले यहाँ पर दूसरे खड़े हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप कि अयोध्या आप इतनी बदलती हुई देख रहे हैं, है ना, तो कि बोलना क्या चाहेंगे अयोध्या के बारे में? लोग तो कह रहे हैं वोट बटोरने के लिए खाली सरकार जो है वो ये सब करती है। नहीं, हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार जितने भाई लोग, बहन लोग, भैया लोग देख रहे हैं वीडियो, वो एक बार अयोध्या आएँ और दर्शन करें और पूरा शहर घूमें, तब उनको पता चलेगा कि अयोध्या क्या चीज़ है। अच्छा, राम जी का जन्म यहाँ हुआ है तो ये स्वर्ग है अयोध्या। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, और जो लोग राम के ऊपर सवाल उठाते हैं, हनुमान के ऊपर सवाल उठाते हैं, उन लोगों को आपकी बुद्धि से क्या कहेंगे उन लोगों को? हमारी बुद्धि से यही कहेंगे कि हमको तो लगता है वो जहाँ राम है वहाँ रावण है, रावण के रूप में वो सब है। इतनी हाजिर जवाबी आपने कहाँ से सीखी? जहाँ राम है वहाँ रावण है, रावण के रूप में वो लोग हैं। जो राम का विरोधी है वो रावण ही होगा, बाकी पूरा विश्व उनका सेवक ही था। चौहद्दी राजा थे राम। ये चौहद्दी राजा क्या होता है? मतलब चारों दिशाओं के राजा उन्हीं थे, पूरे पृथ्वी के। हाँ, उस समय। अच्छा,
अच्छा, पुराने इतिहास के बारे में आपको कुछ मालूम है कि नहीं? बहुत ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, बस थोड़ा थोड़ा इसे थोड़ा थोड़ा जी। अच्छा, मुलायम सिंह के बारे में, कार सेवकों के बारे में, अशोक सिंगल के बारे में? मुलायम जी के बारे में ही पता है, मुलायम जी कार सेवकों को पर गोली चलवाए थे और कई लोग शहीद हो गए थे। लेकिन आप बताइए, अगर यहाँ वो सब आए थे अपने मंदिर के, अपने भगवान का प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे, मांग कर रहे थे संस्कृति की, मतलब आदर सम्मान कर रहे थे, तो उन पर गोली चलवाना कहीं का सही है? आप क्या मानते? हम तो गलत कहते कि सरकार का उस समय मांग थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। सरकार को बनाता कौन है, जनता ही बनाती है ना। हाँ। और जनता के ऊपर गोली चलवाओगे, ये कहाँ की सरकार था है? अच्छा, राजू महंत दास जो हैं वो आप ही के हनुमानगढ़ी के हैं, वो तो टीवी वगैरह में इतना आते हैं, आप इतने बार कुछ से टीवी वाले ने अप्रोच किया आपको? अप्रोच किया, अभी परसों चल रहा था शायद। किसका? टीवी पे मेरा। कौन सा टीवी चैनल अभी था, दिखाएं हम आपको, याद नहीं है कि इस समय बहुत लोग मिल रहे हैं ना। हाँ, दिखा, लेकिन हम जी 12 साल की उम्र में जी स्मार्टफोन जी सब हनुमान जी का कृपा है। कौन सा चैनल है भैया ये देखिए? कौन सा है देखें? इनके हाथों में मोबाइल इतना बड़ा लग रहा है और इतना क्यूट लग रहा है देखने में, नहीं आ रहा है। ये कौन सा है? सम्राट भरत। तमाम लोग आपके पीछे पड़े हैं, नीचे चला गया ना। टीवी वाले भी आपको अप्रोच कर रहे हैं जी। तो बढ़िया, सफाइयों को धोते हैं कि नहीं धोते हैं सफाइयों को, कांग्रेसियों को? नहीं नहीं, हम धोबी थोड़ों में धोएंगे, बस यही कहे हैं कि हनुमान जी की शरण में आ जाएं, उन्हीं के लिए उतना अच्छा है। हनुमान जी के शरण में और राम जी के शरण में आ जाएं, उनके लिए यही अच्छा है। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? माता पिता घर पे हैं। घर पे हैं वो? यहाँ आप यहीं अयोध्या के रहने वाले हैं कि कहीं से आए हैं? हनुमानगढ़ी जिला अयोध्या ही है, पर आए हैं अलग से। यहाँ से 12 किलोमीटर एक गाँव है, ग्राम बहोरमपुर, पोस्ट ददेरा, जिला अयोध्या। और हम रहते हैं हनुमानगढ़ी भी। रहते हैं हनुमानगढ़ी में। कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 भाई हैं, 4 भाई हमारे गुजरात में रहते हैं। 4 भाई गुजरात में। वो आपसे बड़े हैं कि? सब बड़े हैं। सब बड़े हैं, काम धंधा सब करते हैं जी। आपने इधर हनुमानगढ़ी में आने का क्यों सोचा? हमारे शुरू से मतलब लगन थी कि हम भगवान की सेवा करें, और रामायण वामायण हम बहुत देखते थे, तो इसीलिए हम भक्ति में मन लग गया। और सुने थे हम पहले हमारे मतलब पिताजी के जो भाई लोग हैं कहते हैं घर में कि मतलब एक लोग अगर कोई भगवान का सेवक हो जाता, पंडित हो जाता है, तो 7 पीढ़ी तर जाती है। अच्छा, तो यही सुनकर वो रामायण देखते थे हम, राम जी के मतलब लोग कुछ कांड देखते थे। हाँ। तो हमने सोचा हम सब लोग भी ऐसे कर सकते हैं, उतना नहीं कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, तो भगवान में क्यों ना समय बिताया जाए। 12 साल के बच्चे के मुँह से आप ये सारी बातें, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कोई 12 साल का जो बच्चा है वो इस तरीके से, ठीक है हनुमानगढ़ी में रहता है, महंत है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन कि मतलब हमारे पिताजी कहते थे कि हमारे खानदान में अगर कोई एक बच्चा संत बन जाए तो 7 पीढ़ी सुधर जाए। क्या यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, क्या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है? क्या मैं पूछ रही हूँ, ऐसी सोच का बच्चा कोई है? नहीं है। तो मतलब कहाँ कैसे डेवलप किया आपने ऐसा सोच? रामायण देख के। रामायण देख के और सबके संगत ही सब कुछ होती है ना। हाँ। तो शुरू से हम साधु की संगत में थे, इसलिए हमको साधु की ये विचार है जी। अच्छा, तो ये पूरा पढ़ाई लिखाई कैसे होती है मान जी? ये भी कर्म कांड चल रहा है। हाँ। अभी थोड़ा सा आश्रम बन रहा था, इसी बीच में कारण से बंद था। हाँ। अब फिर से चालू होने वाला है 22 जनवरी के बाद। अच्छा, मतलब गुरुकुल में पढ़ते हैं जी? अशरफी भवन में। अशरफी भवन में पढ़ते हैं जी। अच्छा, तो ये है 12 साल के छोटे महंत जो आजकल राजनीति पे भी बड़ा बोल रहे हैं, देश के मुद्दों पर भी बहुत बोल रहे हैं। डेवलपमेंट कैसा हो रहा है अयोध्या में, कुछ समझ में आता है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट यही, हर जगह काम चल रहा है, हर मकान सुधर रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, हर मंदिर रंगी जा रही है। हाँ। हर कलर में हर चीज़, मतलब तालाब नदी देखिए आप। हाँ। सुंदरकरण हो रहा है। हाँ। सुंदरता यहाँ बढ़ रही है, सफाई है, स्वच्छ है, यही डेवलपमेंट है। लोग कह रहे हैं तोड़फोड़ हो रही है इतनी ज़्यादा, लोगों को परेशान किया जा रहा है। बात ये तो सही है, पर ये भी सोचिए अगर पुराना चीज़ तोड़ा नहीं जाएगा तो नया चीज़ बनेगा कैसे? अच्छा, और सरकार जो मुआवजा नहीं दे रही है? नहीं, ये गलत बात है। जो कह रहे हैं उनको थोड़ा ना मुआवजा मिला है, वो तो बाहर हैं। जो यहाँ के आदमी है वो बताएंगे मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो आप मतलब कह रहे हैं कि मुआवजा मिल रहा है? मुआवजा मिल रहा है, हो सकता है सर इतने लोगों का, दो लोग का ना आया हो बीच में। हाँ। हो सकती है गलती, लेकिन अब इसमें मोदी जी की, योगी जी की थोड़ी ना गलती है, इसमें अधिकारी जो नीचे हैं उनकी गलती है, वहाँ से पास हो रहा है। अच्छा, मुझे सुना है आप ओवैसी जी को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाइए, ऐसा क्यों भाई?
वो तो राम जी को मानते नहीं है, राम मंदिर भी नहीं मानते हैं। तो उनका धर्म है, उनका मजहब है मुस्लिम, वो क्यों मानेंगे राम को? पाकिस्तान भी उनका धर्म मुजरिम वही है ना, सब भाई उनके वही हैं, वही चले जाएं, वही अपना बस जाएं। यहाँ तो हिंदू राष्ट्र होगा ना, और हिंदू राष्ट्र हो चुका है। कैसे हो गया हिंदू राष्ट्र? यहाँ के भाई जितने हैं पूछ लीजिए, सब सब हिंदू हैं कि क्या हैं। जो मुस्लिम है वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं हिंदू में, और जो हिंदू हैं वो देखिए कितने मुर्ख हैं, वो मुस्लिम हो जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इतना समझ है आपको। चलिए, और ये जेब में कलम क्यों लेके चलते हैं? अभी महाराज जी थे, वो दे दिए कलम। हाँ? जी, क्या बोले कलम देने के बाद? बोले महाराज जी आपके ऊपर अच्छी लगेगी, आप लगा लो। आप तो वैसे गेटअप तो आपका बड़ा खूबसूरत, दिखाइए एक बार पूरा गेटअप दिखाइए, बहुत खूबसूरत गेटअप है। मतलब ये कुर्ता सिलवाते हैं कि खरीदते हैं आप? नहीं नहीं, कपड़ा लेकर सिलवाते हैं। कपड़ा लेकर के सिलवाते हैं जी। अच्छा, ये पूरा रेड जो है आप इस तरीके का ही गेटअप पहनते हैं? ऐसे भी पहनते हैं, मतलब हमारी एक ही शौक है कपड़ा। अच्छा, मतलब 7 दिन होता है, 7 तरह का हम भी पहनते हैं। जैसे हनुमान जी का मतलब वस्त्र चेंज होता है, वैसे हम भी अपना चेंज करते हैं, बस ये एक शौक है बस। अच्छा जी, मतलब हर दिन अलग अलग रंग का पहन देंगे, अलग अलग तरीके का पहन? नहीं, हर रंग। हर रंग जी। तो कल कौन सा रंग का पहनने वाले? कल सफ़ेद रहेगा, सोमवार है। सफ़ेद में तो और खूबसूरत लगेंगे आप। हैं, तो ये मेरी एक 12 साल के महंत से बातचीत हुई, और देखा कितने मतलब कितने हर्ष और उल्लास है इनके अंदर, कह रहे हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, और जीवन में अगर मान लीजिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहेंगे बड़े हो करके, तो क्या करना चाहेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े आचार्य, या क्या बनना चाहेंगे? हम सोचे हैं अगर कुछ भी हमारे पास वैसा होगा हनुमान जी की कृपा से, तो सीधा गौशाला खुलवाएंगे, सेवा करवाएंगे। गौशाला खुलवाएंगे जी? क्यों? गैया मैया की सेवा करेंगे बस, और जो बाहर से व्यक्ति आएंगे उनका भी सेवा कर देंगे। अच्छा, मतलब गैया मैया का सेवा करने का है। अच्छा, तो मोबाइल वगैरह आप रखते हैं? इतना बड़ा मोबाइल एंड्रॉयड आपने रख रखा है, उसमें जैसे गाय का आप देखते होंगे कि गाय को काट के लोग, मतलब जो मुस्लिम लोग हैं या फिर जो वैसे भी लोग हैं, वो उसकी मतलब बहुत तस्करी करते हैं। वो तो आता है बहुत ज़्यादा। हाँ, क्या मन करता है? यही मन करता है तुरंत इनको दाग दिया जाए। दाग दिया जाए? तुरंत दाग देने का मन करता है जी। ऑन द स्पॉट, तुरंत मौत। ऑन द स्पॉट फुल मोड में इनको दाग देने का मन करता है जी। तो सरकार इस पर कोई कानून वगैरह बनाए, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? हम तो ये सुझाव देना चाहते हैं कि अगर कोई भी पकड़ा जाए तस्करी करते समय, हाँ, उसको तुरंत उम्र कैद बना दिया जाए। उम्र कैद जी, छोड़ा ना जाए जी। अच्छा, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं आपकी तरह ही, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको आप क्या, जैसे ये बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? अदिति। अदिति नाम है जी। जी, अयोध्या के बारे में? बहुत ही सुंदर लग रही है, यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, मिलनसार है, बहुत ही प्यार है। अच्छा, जैसे आस्था में आपका कितना रुचि रहता है? आस्था, रामायण, इन सब चीज़ों में? ऑफ कोर्स सबके बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, मेरी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घर पे बहुत लोग आस्थिक मतलब धर्म को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, भगवान को काफ़ी मानते हैं। उनका कहना है कि भगवान ही संसार चला रहे हैं, लाए हैं तो नैया भी पार वही करवाएंगे। आप अयोध्या में हैं, अयोध्या में आके कैसी वाइब और कैसी फीलिंग है? मैंने आपको कहा तो यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब लग रहा है कि मैं अलग ही जोनर में आ चुकी हूँ। आज तक मैं मतलब दिल्ली में स्टडी करती हूँ, वहाँ पर मैंने देखा किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है। अच्छा। बट यहाँ के लोग इतने केयरिंग है, इतने अच्छे हैं कि खुद से पहले आपका फिक्र करते हैं। अच्छा। मतलब लग रहा है कि जैसे रामनगरी के बारे में पढ़ा था, सुना था, या टीवी में रामायण देखा था, लाइक वैसा फील हो रहा है। बच्चों के ऊपर क्या असर करता है? जैसे मैंने महन जी से बात कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए महन जी से बात अगर करनी है तो। महन जी, अब मैं थोड़ा बच्चों से और दूसरे बच्चों से बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अभी मैं क्या बात कर रही थी यार, मैं तो भूल गई बोलते बोलते, क्या बोल रही थी मैं? आपने पूछा कि कैसा लग रहा ये नगरी यहाँ? हाँ, की वाइब्स कैसा ना? हाँ, जैसे आप कितने साल के, आपने बताया अपनी उम्र? मैं भी 18 की हूँ, मतलब 19 की हो चुकी हूँ। 19 की हो चुकी हो, ठीक है, फिर तो मैं राजनीति की बात आपसे कर सकती हूँ, है ना? तो हम लोग टीवी में आजकल क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा, एक तो हिंदू और मुस्लिम होता है, और दूसरा काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं जिनका फेवरेट टॉपिक हो गया है कि हिंदू धर्म को बदनाम करना, उसके बारे में कुछ कुछ बोल देना। आप जैसे बच्चों के ऊपर क्या असर करता है? देखिए, लोग जो बोलते हैं उनका काम है बोलना, और उनकी तो राजनीति काम है करनी। हाँ। लेकिन हमारे जैसे बच्चे यही सोचते हैं कि अगर हमारे जो लीडर है देश के, चाहे वो विपक्ष की भी क्यों ना हो, वो लोग अगर ऐसी बातें करते हैं तो वो अपने एक संस्कृति को दिखा रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों पे प्रभाव पड़ता है, तो उनको इन सब चीज़ों से कटना चाहिए। ठीक है, आप विपक्ष में हो, आप राजनीति करते हो, कोई बात नहीं है, आप सवाल उठाओ, धर्म पे क्यों सवाल उठाते हो? जबकि आप भी देखा जाता है कि जब चुनाव आता है तो आप भी उसमें रोटियां सीखने लगते हो,
सर पे तिलक धारी तो कभी जनेऊ धारण कोई कर लेते हैं, कोई मंदिर मंदिर घूमते हैं। तो केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आता है एक कि मैंने अपनी नानी से पूछा था कि नानी मंदिर बनने जा रहा है राम मंदिर कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने बोला कि जवाब दिया मेरी नानी ने, किसी के धर्म को तोड़ करके मैं अपने भगवान को नहीं मानती हूँ। मतलब एक विशेष धर्म का सिर्फ वोट पाने के लिए वो लोग कुछ भी कर जाते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि इस मतलब देश की जो मेजॉरिटी है वो हिंदू धर्म है, उन्हें अपनी संस्कृति को प्रमोट करना चाहिए, अपने भारत को प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं है कि विकास वेस्टर्न कल्चर से अपनाया जा सकता, अपने हिंदू धर्म से, अपने आस्था से भी है, अपने विकास आप कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि गाली देख करके ही आप प्रमोट करो। अगर इतना ही शौक है तो दूसरे धर्मों में जा करके क्यों नहीं आप उनके गुणगान गाने लगते हो, क्यों जब चुनाव आता है तो भगवान के पास चले जाते हो, गुनगाओ गाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे धर्म को एटलीस्ट आप गाली मत दो, उनके बारे में बुरा ना कहो, बहुत बुरा लगता है ऐसे इंडियन मन तो रहने दीजिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप सोच सकती हैं कि मतलब माता पिता इंसान पहले, कई लोग तो भगवान में पहले देखते हैं, लेकिन हम तो अपने माता पिता में देखते हैं। माता पिता के बाद अगर घर से शिक्षा मिली है तो हम भगवान को ही अपने माता पिता के रूप में देखते हैं। तो अगर कोई माता पिता के बारे में बुरा बोले तो बहुत बुरा लगता है। आप सोचिए अगर आपके पिताजी का कोई बोलेगा तो आपको क्या करने का मन करेगा, क्या वोट करने का? जैसे आप फर्स्ट वोटर, अभी जैसे 24 का इलेक्शन होगा, आप शायद बिहार जाओगे या फिर जहाँ पे भी आपकी वोटर आईडी कार्ड बनेगी वहाँ पे जाके आप वोट करोगे, ठीक है? तो क्या आप ऐसे पार्टी को अपना नेतृत्व सोचोगे कि हाँ ये हमारे नेतृत्व हो सकता है जो हमारे धर्म को गाली देता है? नहीं, हमारे बिहार में भी काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, खास करके वहाँ की सरकार बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगी जी जैसा अगर कोई वहाँ पर आता है तो हमारे बिहार में भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे बिहार के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हम एग्रीकल्चर में काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी सीता मैया थी, सीता मैया के बारे में सोच सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी पर्यटन लाया जा सकता है, टूरिस्ट लाया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जाता है, कई सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी रोज़गार है, हमें बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नालंदा जो विश्वविद्यालय तोड़ा गया है, हाँ, उसे आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उसे भी डेवलप नहीं कि मतलब रीबिल्ड कर दीजिए आप, उसे दोबारा बनवा दीजिए कि हमें बाहर ज़रूरत ना पड़े, कहीं कंपेयर ना करें। अरे बिहार के हैं ये लोग, जैसे बाहर गाली की नज़रों से, मतलब देख जिस नज़रों से देखा जाता है वो नज़र लोगों की बदल सकती है, जो चीज़ थी वो धरोहर आप बिहार को वापस लौटा सकते हैं, लेकिन नहीं, बिहार के गए या फिर हमारे झारखंड के, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो है वो झारखंड से हुई है। अच्छा, पहले एक में था कि जब मतलब बिहार झारखंड तो पहले एक था, एक में था, 15 नवंबर को वो अलग हो गया, तो पहले तो एक हुआ करता था। लेकिन झारखंड में तो ऑनेस्टली काफ़ी कुछ है, वहाँ के नेता लूट रहे हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, उनको भी ज़रूरत है कि वो थोड़ा सुधर जाए, क्योंकि सब कुछ तो झारखंड में ही सर धरोहर है। हाँ, आप देखें तो ज़रूरत है कोई एक ऐसा लीडर आए जो सच में डेवलपमेंट की ओर लेके जाए। अपनी राजनीति रखिए, 20% रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80% हमें काम भी चाहिए। आप क्या काम करते हो, क्या पढ़ाई करते हो, क्योंकि इतनी नॉलेज, मास कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। अरे क्या बात, तभी तो ये बच्ची इतना खुल के बोल रही है, भैया मास कम्युनिकेशन कर रही है। अच्छा, राजधर्म के ऊपर काम करोगे, साथ में हमारे साथ इंटर्नशिप करोगे, मुझे आपके अंदर वो प्रतिभा लग रही है भैया, सही बता रही हूँ? मौका मिला तो ज़रूर, मैं अभी खुद भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं आपका चैनल देखती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, आप स्टोरीज करते हो। अच्छा, देखते हैं मुझे आप। ऑफ कोर्स, यस, मैं आपको देखती हूँ। जब हाल फिलहाल के आपने जो यादवों वाला किया था वो काफ़ी अच्छा लगा था, और ख़ास करके मुझे राजस्थान का आपका बहुत अच्छा लगा था, जिसमें आपने जाकर के उस क्षेत्र का दिखाया था, वैसे आप जो बोल रही थी उस क्षेत्र का दिखाया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि वो सब टॉपिक पे लोग बात नहीं करना चाहते, खास करके लड़कियां काफ़ी साइड रहती हैं कि नहीं यार इस पे मैं क्या बोलूं, ये बहुत ख़राब चीज़ है, उनको लगता है इसमें मैं हाथ डालूंगी तो मैं भी गंदी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो चीज़ें सुधर नहीं सकती है। देखिए बिहार में कितनी प्रतिभा है, ये बच्ची 19 साल की है और ये कितना अच्छे से और कितने प्रेम से अपनी बातों को जो है वो सामने रख रही है। अच्छा, आप अकेले आए हो कि फैमिली के साथ? एक्चुअली मेरे मामा साथ में हैं आज, तो बस सोचा कि अयोध्या नगरी भी घूमा जाए, काफ़ी मैंने आपको जैसा बताया फ्रेंडली नेचर है, मैं जन के यहाँ रुके भी हूँ, वो लोग खुद से पहले हमारे बारे में सोचते हैं, खाना खा लो फिर भी ज़बरदस्ती खिलाते, मतलब काफ़ी टाइम के बाद घर वाली फीलिंग आ रही, क्योंकि मैं भी बाहर रहती हूँ, बाहर रह के पढ़ रही हूँ, तो वो फैमिली को मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। पर हाँ, इतना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो आपको मतलब ऐसा सिक्योरिटी या फिर ऐसा कुछ उसकी तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली ना ऐसा बोला जाता है, मे बी होगा भी कई क्षेत्रों में, यहाँ पर अयोध्या में, आप अयोध्या में, लेकिन ना ऐसा कोई भी सिक्योरिटी की अगर कुछ भी मैंने फेस नहीं किया ऑनेस्टली, सभी लोग बहुत ही प्रेम से हर चीज़ बताते हैं, प्यार से मिलते हैं, बातें भी करते हैं, और खास करके बच्ची समझ कर तो और करते हैं, तो सिक्योरिटी के कोई भी ऐसा मामला नहीं देखा कि जिसमें मैं खतरा फील करूं, या कोई भी मिसबिहेव नहीं करते हैं, इनकी जो बोली भी बहुत ही प्यारी है। अच्छा, बोली बहुत
बहुत प्यारी प्यारी है। तो ये बच्ची से मैंने बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बच्ची मुझे देखती भी है और मैं कोशिश करूँगी कि ये राजधर्म पर थोड़ा सा आए और थोड़ी सी अपने ज्ञान की जो बातें हैं वो लोगों को भी बताए। इसी के साथ धन्यवाद और आगे और स्टोरी आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगी। तो आशा करूँगी आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया। धन्यवाद।